हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी पे आते हैं, लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल का एक रफ आइडिया होना चाहिए। अब देखिए, डिटेल में जो सेक्शन है वो हम पढ़ लेंगे, जैसे पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, वहां पर हम वो डिटेल में पढ़ लेंगे, बाकी एक रफ आइडिया यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग में जो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दी थी, मतलब सबसे पहले जो बड़ी जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसका जो श्रेय जाता है वो जाता है मेंडलीव को। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, तो आंसर होगा मेंडलीव। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो उसका बेसिस क्या था, उसका बेसिस था एटॉमिक वेट। उसका बेसिस क्या था, एटॉमिक वेट, जिसमें तो कुछ कमियां भी थी, उस वजह से फिर जो नई पीरियोडिक टेबल है जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं वो किसने दी, मॉजले ने, और उसका जो बेसिस है वो है एटॉमिक नंबर। ऑल्टरनेट हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बुक्स में एटॉमिक नंबर ही लिखा हुआ रहता है, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस पर ही होती है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब अगर पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो देखिए, पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होते हैं, 7। जो हॉरिजॉन्टल होती है, जो हॉरिजॉन्टल रो है, उसको हम पीरियड कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्ग। कितने, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जो वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्ग, वो कितने, 18। 1, 2, 3, ये 3 से 12 मैंने एक साथ लिख दिया, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो पीरियड कितने, 7, और वर्ग कितने या ग्रुप कितने, 18। समझ में आ रही बात। अब जो ग्रुप है 1 से 18 उसको हम ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं। किस में डिवाइड करते हैं, ब्लॉक में। अब जैसे लेटेस्ट जो ग्रुपिंग होता है एलिमेंट्स का, उसको हम ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। ब्लॉक में कैसे, 1 और 2 जो ग्रुप है उसको हम एस ब्लॉक में कंसिडर करते हैं। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, 1 और 2। उसके बाद अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो 3 से 12 जो है वो डी ब्लॉक में आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक आएगा 13 से लेकर 18 तक। और एफ ब्लॉक जो है उसमें 14 एलिमेंट होते हैं, लेकिन आप उसको बीच में रखते तो और बड़ा हो जाता, उसको हम नीचे लिखते हैं अलग से, F4F सीरीज और 5F सीरीज, जिसको हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी कहते हैं। तो ये हमने बात करी ब्लॉक की, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, S ब्लॉक में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है उसको आवरत तत्व कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में कई बार इसको बीच में भी लिखा होता है, कई बार यहाँ भी लिखा होता है, ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। हाइड्रोजन को हटा दें तो बाकी जो है उसको हम एल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कली मेटल, क्षारीय धातु। और जो आपके दूसरा जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय धातु कैसे याद करोगे, अगर पूरा एस ब्लॉक याद करें तो हाई लिनाक रब ससफरा या है ली ना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। उसके बाद ब मक्का सरबरा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, बे मक्का सरबरा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। एस ब्लॉक आपके सिलेबस में नहीं है तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद अगर पी ब्लॉक की बात करें तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गेलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है, उसके बाद कहें शिव जी सुने पार्वती, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। उसके बाद न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, या न्यूज़पेपर आज सारे बिके, कैसे भी आप याद कर सकते हो। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, SN से टिन होता है, SB से एंटीमनी होता है और ये बिस्मिथ। उसके बाद ओल्ड स्टाइल से टीपू, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। उसके बाद फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ठीक है, ये आपके रेडियो एक्टिव होता है। उसके बाद लास्ट में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये आपके नोबल गैसेस हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं एल्कली मेटल, क्षारीय धातु, इसको कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु, इसको हम कहते हैं इनर्ट गैस या नोबल गैस। ठीक है, अक्रिय गैस कह सकते हैं हिंदी में, ये हैलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हैलोजन। इसको हम कहते हैं चालकोजन, हैलोजन सबको पता है, इसको चालकोजन कहते हैं और इसको निकोजन कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि ये एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और फिर आपके पी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक जो है वो आपके 4th पीरियड से शुरू होता है, ये आपके 3D सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है, 3D सीरीज। ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज।
तो 3D 4D 5D, डी जो है एक पीछे चलता है, डी जो है वो क्या चलता है एक पीछे, इसका मतलब 3D जो है वो फोर्थ पीरियड में आता है, कितने में आता है फोर्थ पीरियड में, एस और पी तो साथ साथ चलते हैं, 3D जो है वो फोर्थ में आ रहा है, 4D 5 में आ रहा है और 5D 6 में आ रहा है, समझ में आ रही बात। तो डी जो है जो 3D सीरीज है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 21 से लेके 30 तक, कहाँ से शुरू हो रही है 21 से लेके 30 तक। उसके बाद अगर 4D की बात करें तो 39 से लेके 48 तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब 5D की बात करते हैं तो जो पहला डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है 5D सीरीज का वो लैंथेनम है। कई बार क्या होता है हम याद करते हैं लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, क्वेश्चन आता है कि लैंथेनम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, अब हमको याद होता है लैंथेनाइड सीरीज, ये लो हमने एफ ब्लॉक का कर दिया, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। लैंथेनम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का नहीं है। ऐसे ही आपके एक्टिनियम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का नहीं है। लैंथेनम एक डी ब्लॉक का एलिमेंट आता है, उसके बाद एफ ब्लॉक सीरीज शुरू होती है, यहाँ पर 4F आता है, 4F पूरे होने के बाद फिर वापस ये हॉफनियम और ये मरकरी। ऐसे एक्टिनियम के बाद आपके 5F सीरीज आएगी, उसके बाद आपके रदरफोर्डियम आएगा और ये आएगा UUB। ये आपके नेमिंग चलती है, ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आपके यू का मतलब अन होता है, एक आता है उसके लिए, यू वापस आ गया एक आ गया, और बी का मतलब बाई जो है दो आ जाएगा। ठीक है, पहले मैंने शीट में क्वेश्चन भी दिया था लेकिन क्योंकि अब सिलेबस से हटा दिया है, पहले सुपर हैवी एलिमेंट्स था वहाँ पर मैं डिस्कस करता लेकिन अभी है नहीं तो एक बार छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो 5D सीरीज है वो कंटिन्यूस पूरी एक साथ नहीं है, 57 है उसके बाद आपके 4F है, तो 4F जो है जिसको आप लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 58 से, फिर 57 के बाद 58, 58 से लेके 71, ये आपको ध्यान रखना है 58 से लेके 71। तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अटोमिक नंबर 57 जो है कौन से ब्लॉक का है, तो आप क्या कहोगे डी ब्लॉक का। अगर मैं कहूँ अटोमिक नंबर 58 कौन से ब्लॉक का है तो आप क्या कहोगे एफ ब्लॉक का है, समझ आ रही बात। ये आपको नंबर याद होने चाहिए, तो 57 डी ब्लॉक का, 58 से 71 एफ ब्लॉक के, फिर 72 से 80 वापस डी ब्लॉक। ऐसे यहाँ पर 89 एक्टिनियम जो है डी ब्लॉक का है, उसके बाद आपके 90 से लेके 103 ये आपके एफ ब्लॉक के आ जाएंगे, उसके बाद 104 से 112 वापस से किस में आ गए डी में आ गए। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आता है एटॉमिक नंबर से कि भाई ये एटॉमिक नंबर कौन से ग्रुप में होगा, कौन से ब्लॉक में होगा, तो वहां पर आप याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, या तो लेफ्ट से याद रखो या राइट से याद रखो, जैसे आपकी इच्छा हो याद रखो। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक है, एक में दो जोड़े तीन, पहले दो जोड़ दें, उसके बाद तीन में आठ जोड़ो 11, फिर वापस से आठ जोड़ो 19। तो देखो कैसे जोड़ना है, सबसे पहले आपने क्या जोड़े, एक में दो जोड़े तीन, फिर तीन में आठ जोड़े 11, 11 में आठ जोड़े 19, 19 में दो बार आठ जोड़ लिए, उसके बाद 18 जोड़ोगे 37, फिर वापस से 18 जोड़ोगे 55, फिर 32 जोड़ोगे 87, फिर वापस से 32 जोड़ोगे 119, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 120। ये क्वेश्चन पूछ रखा है आरपीएससी ने कि एटॉमिक नंबर 120 कौन से ब्लॉक का होगा, तो आंसर क्या होगा एस ब्लॉक का, कहाँ पर होगा एल्किली अर्थ मेटल, समझ में आ रही बात। और यहाँ पर अगर मैं नोबल गैस की बात करूँ तो नोबल गैस हीलियम जो है एटॉमिक नंबर दो, दो के बाद सीधे आठ जोड़ना है, तो दो और आठ 10, 10 और आठ 18, फिर वापस से 18 जोड़ोगे 36, 36 में आप 18 जोड़ोगे 54, 54 में आप 32 जोड़ोगे 86, 86 में वापस से 32 जोड़ोगे 118। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ लेफ्ट और राइट से कि आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर के बेस पर जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एटॉमिक नंबर 120 किसका होगा, 120 पूछ रखा है, 57 पूछ रखा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में लिख दिया, वरना मैं सीधे पीरियोडिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो शुरू कर देता तो एटॉमिक नंबर पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर आता है, खास करके ये वाले। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो ये आपके नोबल गैस हो गई, ये आपके हेलोजन हो गए, ये चालकोजन हो गए, निकोजन हो गए, कार्बन फैमिली होगी, बोरोन फैमिली होगी, पी ब्लॉक पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में आ जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना, जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या एक चल रही है, इसके दो चल रही है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन है, इसके चार हैं, इसके पाँच हैं, छः, सात और आठ। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे वहां पर आपको केवल और केवल एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए सेंट्रल एटम सेलेनियम है, तो सेलेनियम का आपको एटॉमिक नंबर कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या पता होना चाहिए कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और उसके लिए भी आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन से पीरियड में आ रही है, कौन से ग्रुप में आ रहा है, सॉरी। तो सेलेनियम कौन सी फैमिली में आ रहा है, ऑक्सीजन फैमिली में आ रहा है, और ऑक्सीजन फैमिली में जो है वो ग्रुप है 16, 16 का मतलब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो बेसिक पीरियोडिक टेबल है, आपने देखा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, मोजले ने दी थी, एटॉमिक नंबर पे बेसिस है, पहले दो ग्रुप एस ब्लॉक, बीच में 10 जो ग्रुप हैं वो डी ब्लॉक के हैं, लास्ट के 8 ग्रुप जो हैं पी ब्लॉक के हैं, और एफ ब्लॉक को हमने अलग से रखा है। लैंथेनम जो है डी ब्लॉक का है, लैंथेनाइड सीरीज हम कहते हैं जो 4F सीरीज है, 4F सीरीज जो है
लेंथेनम डी ब्लॉक का है, उसके बाद आपके 4F सीरीज आती है। कहाँ से कहाँ आती है? 58 से 71 आ रही है। एक्टिनियम आपके डी ब्लॉक का है, 89 एटॉमिक नंबर है। 5F सीरीज जो है 90 से 103, 103 थोरियम से आपके लॉरेंशियम। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आएगा मैं बता देता हूँ, अभी आएगा मैं और रिपीट कर दूंगा कि एस्ट्रेटाइन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये कौन से ब्लॉक का है। अब आप देखेंगे एस्ट्रेटाइन, एस्ट्रेटाइन कहाँ है समझ में नहीं आ रहा, एस्ट्रेटाइन ये रहा। एस्ट्रेटाइन जो है वो आपके पी ब्लॉक का है, आयोडीन के नीचे आता है। इसके अलावा एफ ब्लॉक तो पूछता ही पूछता है बहुत, ठीक है। सीरियम पूछेगा, 4F सीरीज का पहला एलिमेंट है। ल्यूटीशियम पूछेगा, 4F सीरीज का लास्ट एलिमेंट है। थोरियम पूछेगा, 5F सीरीज का पहला एलिमेंट है। और लॉरेंशियम पूछेगा, 5F सीरीज का लास्ट एलिमेंट है। तो ये तो आपको याद ही होने चाहिए, 4F का पहला और लास्ट, 5F का पहला और लास्ट। एक आपके 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो शक्ति विक्रमन, तो देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम, या फिर आप अगर हम बात करें यज्र नब मो तक TC, ये जो आपके अभी डी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में दे दूंगा। ये मैंने यहां से लिखा है, ये तो आपके 3D सीरीज लिख रहा था, ये वाला नहीं पूछा गया है। ये आपके टेक्नीशियम कई बार पूछा जाता है कि कौन से ब्लॉक का है, तो ये आपके ये जो सीरीज है 4D सीरीज उसमें आता है यज्र नब मो तक। तो टेक्नीशियम जो है वो आपके डी ब्लॉक का है, 4D सीरीज का है, तो यहां पर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको एटॉमिक नंबर के लिए बेसिकली ड्रॉ किया है कि एक तो आपको थोड़ा याद हो जाए कि भाई एस ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट है, पी ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट है, ताकि एक आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या उसका एक रफ आइडिया हो जाए कि भाई जब हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसके बाद जब हम आगे और चीज़ देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 3D सीरीज आने से थोड़ी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। यहाँ पर भाई एकदम से एल्यूमिनियम के बाद 3D सीरीज आ गई, उसके बाद यहाँ पर 4F सीरीज आती है तो और चेंज आ जाता है, और 5F सीरीज आती तो और चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी चेंज आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके 4F सीरीज आती है तो इधर भी चेंज आता है और उधर भी चेंज आता है। अब क्या क्या चेंज आता है, अब हम आगे एक एक करके देखते हैं। अब देखिए पहले के टाइम पे जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट थे, मतलब एलिमेंट को वो किन कैटेगरी में डिवाइड करते थे, वो यहाँ पर मेंशन है। आजकल तो हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मॉडर्न क्लासिफिकेशन SPDF के फॉर्म में। पहले जो है टाइप्स ऑफ एलिमेंट कैसे मेंशन करते थे, इनर्ट गैस एलिमेंट जिसको हम इनर्ट गैस कहते हैं उसको एक अलग कैटेगरी बना रखी थी। इनर्ट गैस एलिमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NH2NP6। एक्सेप्शन क्या है, हीलियम। हीलियम इनर्ट गैस या नोबल गैस वाले ग्रुप में रखा जाता है, 18वें ग्रुप में रखा जाता है, 18th ग्रुप में रखा जाता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन उसका NH2NP6 नहीं है, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो आपके नोबल गैस से मिलती है, इसलिए हमने उसको नोबल गैस में रख रखा है, इनर्ट गैस में रख रखा है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नॉर्मली हम कई बार नहीं सुनते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट तो सुन रखा होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सुन रखा होता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब ये है एस ब्लॉक पी ब्लॉक को मिला दो, उसमें से नोबल गैस माइनस कर दो, तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, NS1 से लेके NS2 NP5 तक। तो यहाँ पर आपके नोबल गैस अगर आप निकाल दोगे तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक पूरा आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में। उसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली डी ब्लॉक के लिए हम काम में लेते हैं N-1 D1 to 10, NS0 to 2। अब देखिए पहले पुरानी बुक्स में 1 to 2 लिखा होता है, लेकिन आप देखोगे कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखते हो डी ब्लॉक की उसमें एस में जीरो होते हैं, समझ आ रही बात। तो वो वहाँ पर हमने क्या करा, 0 से 2 कर लिया। इसका मतलब ये है कि एस में 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और बाकी आपके डी में क्या हो जाएगा, 1 to 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 to 10। इसके बाद है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं नॉर्मली, N-2 F1 to 14। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, जो डी है वो एक पीछे चलता है, जैसे 3D है तो वो आपके 4th पीरियड में आता है, 3D जो है वो किस में आता है, 4th पीरियड में आता है। तो डी एक पीछे चलेगा और एफ दो पीछे चलेगा, तो 4F जो ये मतलब N-2 F1 to 14, उसके बाद N-1 D0 to 1 और NS2। तो ये हैं डिटेल में हम कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे या इसकी डी ब्लॉक में देखेंगे, तो वहाँ पर हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देख रखा है, पुराना जो क्लासिफिकेशन था इनर्ट गैस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसके अलावा एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिए ताकि आपको याद हो जाए, वैसे ही क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे शीट में। जिंक कैडमियम और मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखिए जब आप देखेंगे तो ये ग्रुप का अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में तो 12th ग्रुप में आते हैं जिंक कैडमियम और मरकरी, इन तीनों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको डी ब्लॉक एलिमेंट तो हम कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में जिंक कैडमियम और मरकरी नहीं आते हैं, ये आप याद रख लेना।
देखिए एग्जाम में क्या आता है कि निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो इन तीनों में से एक ऑप्शन होगा जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, उसके बाद लेंथेनम और एक्टिनम, ये मैंने आपको बताया कि लेंथेनाइड सीरीज एक्टिनाइड सीरीज हम याद करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ फिक्स हो जाती है कि लेंथेनाइड या लेंथेनम और एक्टिनियम जो है वो आपके ए ब्लॉक का एलिमेंट है, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो लेंथेनम और एक्टिनियम जो है वो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है, सॉरी आर नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रेटाइन मैंने आपको बताया, एस्ट्रेटाइन जो होता है वो आयोडीन के नीचे आता है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, किसका है, पी ब्लॉक का है, किसका है, पी ब्लॉक का, आयोडीन के नीचे आता है। उसके अलावा टेक्नीशियम, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, रिपीट हो चुका है 3-4 बार, टेक्नीशियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, टेक्नीशियम ए ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, मैंगनीज के नीचे आता है, किसके नीचे आता है, मैंगनीज के। उसके अलावा ये मैंने आपको अभी बताया कि जो 4F सीरीज और 5F सीरीज है उसका स्टार्टिंग और लास्ट एलिमेंट पूछते हैं, सीरियम 4F सीरीज का पहला एलिमेंट है, लेंथेनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट है, उसके बाद लुटीशियम लेंथेनाइड सीरीज का लास्ट एलिमेंट है, थोरियम जो है एक्टिनाइड सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है। क्वेश्चन आता है कि थोरियम जो है कौन से ब्लॉक का है, तो थोरियम जो है एम ब्लॉक का है, और उसके भी अंदर डिटेल में जाएं तो 5F का है। ठीक है, लॉरेंशियम, अगर मैंने गलती से लॉरेंशियम का सिंबल LW लिख दिया है तो करेक्शन कर देना, LR होता है। ठीक है, LR लॉरेंशियम है, 5F सीरीज का लास्ट एलिमेंट है, तो ये आपको याद रखनी है कि 4F का फर्स्ट और लास्ट कौन सा है, 5F का फर्स्ट और लास्ट कौन सा है, जब हम F ब्लॉक पढ़ेंगे वहाँ पर और डिटेल में हमारे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जो मैंने यहाँ पर पिन पॉइंट कर दिए हैं, बाकी ये एक इंट्रोडक्शन के लिए है। अब इसके बाद जो नया क्लासिफिकेशन है वो है SPD और एफ ब्लॉक, तो जो नए बेसिस पर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स का वो हम ब्लॉक्स के बेसिस पर करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने जो एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से लेके NS2। उसके बाद अगर हम बात करें पी ब्लॉक की तो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18, वर्ग 13 से वर्ग 18 एलिमेंट, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक, तो ये आपके जो 13 से 18 ग्रुप है वो पी ब्लॉक में आएगा। उसके बाद है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या दे रखा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन जो है N-1D1-10, जो D है वो एक पीछे चलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो N माइनस जो D है वो एक पीछे चलता है, क्यों, क्योंकि N+L के रूल के अकॉर्डिंग, तो N-1D1-10 और NS0-2, देखिए पुरानी जो बुक्स हैं वहाँ पर 1-2 लिखे दिखावा मिलेगा, लेकिन आप खुद देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं डी ब्लॉक के उसमें एस में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लेटेस्ट जो है वो आपके N-1D1-10 से लेके NS0-2 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना अगर RPSC क्वेश्चन पूछती है तो। ए ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो N-2F1-14, N-1D0-1 और NS2। डिटेल में जो कॉन्फ़िगरेशन है जब हम F ब्लॉक करेंगे तब हम देख लेंगे और यहाँ पर जब हम D ब्लॉक करेंगे तब हम देख लेंगे। आपको मेन चीज़ ध्यान ये रखनी है कि D एक पीछे चल रहा है और F एक पीछे चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3D जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3D है वो फोर्थ पीरियड में आता है, कौन से पीरियड में आता है, फोर्थ पीरियड में, जो D ब्लॉक है वो फोर्थ पीरियड से शुरू होते हैं, और जो 4F है वो 2 पीछे चल रहा है, मतलब वो 6th पीरियड में आता है, किस में आता है, 6th पीरियड में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप देखिए, क्योंकि हम जब बड़े लेवल पे जाते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो कई बार वो पूछ ली जाती है, तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पर क्या काम में लेना है। तो ये आपके 3D सीरीज 4th पीरियड से शुरू हो रही है और 4F सीरीज 6th पीरियड से शुरू हो रही है। तो ये 4 ब्लॉक थे आपके SPDF और चारों की जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है या कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद पी ब्लॉक आपके सिलेबस में है, डी ब्लॉक सिलेबस में, एफ ब्लॉक सिलेबस में, डी ब्लॉक के साथ साथ आपके पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, मेन कोऑर्डिनेशन ही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पूरी इनऑर्गेनिक में, अगर आपके सिलेबस में कुछ है मज़ेदार तो वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, बाकी तो सब आपके ईजी हैं, या तो बिल्कुल बहुत ईजी है जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, या फिर रटनेक है जैसे एफ ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, समझने का भी है और थोड़ा अच्छा लेवल भी है तो वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, मज़ा आएगा हमको पढ़ेंगे जब। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि हमने पीरियोडिक टेबल बनाया क्यों है। पीरियोडिक टेबल बनाने के पीछे रीज़न ये है कि जब हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स की और उसके कंपाउंड्स की,
तो वहां पर हमको सिस्टमेटिक ऑर्डर चाहिए, वरना तो क्या है कि 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, अब एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे तो सिलेबस कितना ज्यादा हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो वो एक जगह आ जाए ताकि उनको एक साथ पढ़ लिया जाए। तो उसमें इस पर हमने क्या करा, पीरियोडिक टेबल बनाया है। पीरियोडिक टेबल बनाने का मतलब प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, उनको एक साथ रखा है। तो एक ग्रुप में रखने का मतलब उनकी प्रॉपर्टी क्या है, मिलती जुलती है। अब यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, जिसमें कंटिन्यूस चेंज आ रहा है, या मतलब जो हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ग्रुप में या हॉरिजॉन्टल पीरियड में या ग्रुप में कैसी चलेगी, तो वो हमने दे रखा है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी मतलब रेगुलर क्या चेंज आ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो दे रखी है साइज। साइज की अगर हम बात करें तो देखिए फटाफट से देख लेते हैं। साइज की अगर हम बात करें लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं, अब जैसे मैं लेफ्ट से राइट कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ अलॉन्ग दी पीरियड, ठीक है, अलॉन्ग दी पीरियड या अलॉन्ग दी ग्रुप। अलॉन्ग दी पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, और डाउन दी ग्रुप मतलब अप टू डाउन। तो अलॉन्ग दी पीरियड का मतलब लेफ्ट से राइट पीरियड में चल रहे हैं हम, ठीक है, और डाउन दी ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है, ग्रुप में चल रहे हैं। समझ आ रही बात। तो साइज की अगर हम बात करें तो लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। कारण क्या है कि जब हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं पीरियड में, तो जो नंबर ऑफ शेल्स है, कोशों की जो संख्या है, वो समान है। लेकिन जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो शेल तो समान है, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, देखिए जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये न्यूक्लियस है, ये आपके एटम है, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, केवल आखिरी इलेक्ट्रॉन होता, तो पूरी अट्रैक्शन फोर्स से ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचता। लेकिन अब क्योंकि बीच में और इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है। तो जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। सिंपल, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। तो लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज होता है। कारण क्या है कि जो शेल की संख्या है वो कांस्टेंट है, ठीक है, कोशों की संख्या जो है वो नियत है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। खींचने से वो क्या हो रहा है, पास आ रहा है। पास होने से साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ रही है, क्या हो रही है, कोशों की संख्या बढ़ रही है, उस वजह से साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ रही है, और पीरियड में लेफ्ट से राइट साइज कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि शेल कांस्टेंट है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये तो थी बात सिंपल साइज की, जो कि हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे थे। अब अगर हम बात करें कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, अलग अलग एटम की नेचर अलग अलग होती है, एलिमेंट पर डिपेंड करता है कौन सा एलिमेंट है। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो आयन बनाता है। आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन। जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है एटम तो कैटायन बनाता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एनायन बनाता है। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इनको कंपेयर करें तो न्यूट्रल एटम और कैटायन की अगर हम तुलना करें तो न्यूट्रल एटम का साइज ज़्यादा होता है कंपेयर टू किसके, कैटायन के। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया सोडियम और सोडियम प्लस आयन, समझ में आ रही बात। तो सोडियम का साइज ज़्यादा है और सोडियम आयन का साइज कम है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि भाई एक तो आपके जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और एक है कम इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो कम इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा इफेक्टिवली खींच सकता है, तो ज़्यादा इफेक्टिवली खींचेगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर इसके केस में तो और एक कंडीशन एक्स्ट्रा है। क्या कंडीशन एक्स्ट्रा है, कि नंबर ऑफ शेल ही कम हो गए। यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ शेल जो है वो तीन है, ठीक है, 1 2 3, और जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला 3s का, तो यहाँ पर दो ही शेल रह गए। तो एक रीज़न ये भी आप कह सकते हो, लेकिन वो पर्टिकुलर इसी केस में लागू होगा। बाकियों के लिए आप रीज़न क्या दे सकते हो कि जब जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से वो क्या होता है, ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है, इसलिए साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, इसके बाद क्या दे रखा है, एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो साइज जो है जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता है उसका साइज कम हो जाता है। तो यहाँ देखोगे एल्यूमिनियम प्लस का साइज ज़्यादा है, उसके बाद एल्यूमिनियम 2+ का, और उसके बाद एल्यूमिनियम 3+ का। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। अब आप ये मत कहना सर एल्यूमिनियम की तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, कंपेरिजन के लिए दे रखा है, ठीक है। कंपेरिजन के लिए क्या दे रखा है कि जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, तो न्यूट्रल एटम का साइज ज्यादा, उसके बाद जैसे जैसे प्लस बढ़ रहा है साइज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें एनायन की, तो एनायन कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब वो एनायन बनाता है। अब एनायन को और न्यूट्रल एटम को कंपेयर करें तो एनायन का साइज ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें ज्यादा है, एनायन में, तो जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से खींचेगा, साइज छोटा हो जाएगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो अच्छे से नहीं खींच पाएगा, साइज बड़ा रह जाएगा। तो एनायन का साइज बड़ा रहता है किसके कंपेरिजन में, न्यूट्रल एटम के। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, एनायन का साइज बड़ा, फिर न्यूट्रल एटम, फिर उसके बाद कैटायन का साइज सबसे छोटा। तो सेम पॉइंट आ गया, न्यूट्रल एटम और एनायन में कंपेयर करें तो सी एल माइनस का साइज बड़ा है किसके, सी एल के, जबकि यहाँ पर क्या था कि सोडियम एटम का साइज बड़ा था सोडियम आयन से, जबकि यहाँ पर सी एल माइनस का आयन जो है या सी एल माइनस आयन जो है वो सी एल एटम से बड़ा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस साइज इंक्रीजेस, तो देखिए जैसे प्लस का जो पॉइंट था उसका जस्ट रिवर्स चल रहा है, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, तो n माइनस थ्री का साइज ज्यादा बड़ा है, उसके बाद n माइनस टू, उसके बाद n माइनस, और बाद में हम लास्ट की बात करें तो n, n क्या है, न्यूट्रल एटम है, तो जैसे आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते थे ए एल कंपेयर करने के लिए, तो न्यूट्रल एटम का साइज यहाँ पर बड़ा है और जैसे जैसे प्लस चार्ज हो रहा है साइज छोटा हो रहा है, जबकि यहाँ न्यूट्रल एटम का साइज छोटा है, जैसे जैसे माइनस चार्ज आ रहा है वैसे वैसे साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखिए बहुत ईजी कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है, एक बार अगर आपने ढंग से पढ़ लिया आपको याद हो जाएगा, दोबारा बहुत कम रिविजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आगे दे रखा है इन अ पीरियड एल्किली मेटल लार्जेस्ट साइज, तो अगर हम पीरियड की बात करें तो सबसे बड़ा साइज किसका है, एल्किली मेटल का, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे बड़ा साइज लेफ्ट में है, जैसे जैसे राइट में आप जा रहे हो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये कह रहा है अगर हम एक पीरियड की बात करें वर्ग, सॉरी एक आवर्त की बात करें, वर्ग तो ग्रुप हो जाता है, आवर्त की बात करें तो इन अ पीरियड एल्किली मेटल लार्जेस्ट साइज, एल्किली मेटल जो क्षारीय धातु है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। अब इस हिसाब से लेफ्ट से राइट चले अगर हम, तो लास्ट में कौन आता है, नोबल गैस आती है, तो सबसे छोटा किसका होना चाहिए, नोबल गैस का, लेकिन सबसे छोटा साइज नोबल गैस का नहीं होता, नोबल गैस का साइज एक्सेप्शनली लार्ज होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, साइज ऑफ नोबल गैसेस इज एक्सेप्शनली लार्ज, मतलब अपवाद स्वरूप उसका साइज बड़ा होता है। उसका रीजन क्या है कि बाकी सब में तो हम कोवलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं, बाकी सब में किसकी बात कर रहे हैं, कोवलेंट रेडियस की, लेकिन जब हम नोबल गैस की बात करते हैं तो वहाँ कोवलेंट रेडियस नहीं होता, वंडरवॉल रेडियस होता है, क्यों, क्योंकि बाकी तो सब एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म में, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो नोबल गैस है वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, आइसोलेटेड एटम्स के फॉर्म में, तो वहाँ पर जो उनका रेडियस या साइज मेजर करने का जो पैटर्न है या जो बेस है वो डिफरेंट है। यहाँ पर हम कोवलेंट रेडियस लेते हैं बाकियों के लिए, और जबकि उसके लिए लेते हैं वंडरवॉल रेडियस। तो लेफ्ट से राइट सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए था, नोबल गैस का, लेकिन उसका एक्सेप्शनली लार्ज हो गया। अब कितना लार्ज हुआ ये कोई नहीं पूछता, भाई यहाँ से बढ़ गया, अब इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ा लेकिन कहीं ना कहीं बीच में बढ़ गया, तो उसको हमने अलग ही रख दिया, क्या रख दिया, साइज और नोबल गैसेस इज एक्सेप्शनली लार्ज। अब इसको मैं हटा देता हूँ नोबल गैस को, तो अब आपके बाकी ट्रेंड क्या है, लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे बड़ा साइज तो हो गया एल्किली मेटल का, और सबसे छोटा साइज किसका हो गया, हैलोजन का। तो देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट है, कोई सा भी स्टेटमेंट बना के कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब ऐसा नहीं है कि टॉपिक इजी है तो बिल्कुल इसको इग्नोर कर दी जाए, कोई भी टॉपिक टफ नहीं होता, कोई भी टॉपिक इजी नहीं होता, बस आपको उसको ढंग से पढ़ना है, जितनी जो रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर इनऑर्गेनिक सबसे कम मेहनत मांगती है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है न्यूमेरिकल टाइप से, ना आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत है, एक बार थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है, एक बार आपने पढ़ लिया आपको याद भी रह जाएगा, बहुत कम रिविजन चाहिए। तो यहाँ पर ये हम साइज की बात कर रहे हैं, अब देखिए ये आपके यहाँ तक नॉर्मल साइज की बात होगी, अब इसके बाद आपके दे रखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, अब देखिए साइज में ही आगे दे रखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तो देखिए साइज पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो देखिए देख लेते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो जैसे आपने देखा था आइसो थर्मल, मतलब टेम्परेचर सेम है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, तो सीरीज का मतलब ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं, और उसको हमने अगर साइज के ऑर्डर में जमा दिया तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज कह देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मैंने साइज के ऑर्डर में जमा रखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज को, तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर एक होता है और आपने माइनस लगा रखा, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने ऐड कर लिया या एक इलेक्ट्रॉन उस पर जुड़ गया, तो वहां पर आप देखेंगे एक तो पहले ही था और एक और हो गया, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। हीलियम के पास ऑटोमेटिक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम के पास तीन होते हैं, एक निकल गए दो रह गए, तो कहने का मतलब सबको अगर आप चेक करोगे तो सबके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, दो।
तो ये आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। अब अगर हम साइज की बात करें तो सिंपल सा फंडा ये है कि नेगेटिव आयन जो होगा उसका साइज ज्यादा होगा और जो पॉजिटिव आयन होगा उसका साइज कम होगा। जो अभी हमने एटम और आयन के लिए पढ़ा था वही कंसेप्ट यहाँ फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो साइज का ऑर्डर है, तो साइज के ऑर्डर में क्या करना है, जो नेगेटिव आयन है वो आप लार्जर साइज की तरफ रख दीजिए और जो पॉजिटिव आयन वो स्मॉल साइज की तरफ रख दीजिए। तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जैसे कार्बन 4+ है, फिर बोरोन है, फिर बेरिलियम है, लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो साइज का ऑर्डर है नेगेटिव का ज्यादा है और पॉजिटिव का कम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। अब नीचे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज थी, नीचे की अगर हम बात करें तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। कैसे, N3- की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन और 3 जुड़ गए तो 7 और 3 10 हो गए। अभी देखिए मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड करा था तो वहां पर मैंने क्वेश्चन बताया था नाइट्राइड आयन में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर इसका साइज ज्यादा होगा, फिर O2-, फिर F-, फिर नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज कहलाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है और साइज के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना कम होगा। तो एक तो साइज का ऑर्डर पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि निम्न में से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करने, और इलेक्ट्रॉन जिनके सेम आएंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, जिनके सेम नहीं आएंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें CN-, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने, 6, नाइट्रोजन के कितने, 7, 7 और 6 13, 13 और 1 कितने हो गए, 14, यहाँ लिख देता हूँ 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें तो 7 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8, 8 और 6 14 इधर इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के 8 कितने हो गए, 15, 15 में से एक गए कितने हो गए, 14। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 8, 8 और 8 16, 16 में से 2 गए 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन देखिए लिखा हुआ है सामने। तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, सेम आ रही है। इसके बाद नीचे और एग्जाम्पल दे रखा है एनओ और O2+। तो एनओ की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन के कितने हैं, 7 और ऑक्सीजन के कितने, 8, 7 और 8 15 हो गए। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 8, 8 और 8 16, 16 में से एक के कितने, 15, मतलब ये 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है कि निम्न में से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज को जो है साइज के ऑर्डर में अरेंज करिए, या किसका साइज बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए 4 उसने ऑप्शन दे दिए, 1, 2, 3, 4 को इसे उठा लिया, पूछेगा सबसे बड़ा साइज किसका है या सबसे छोटा साइज किसका है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो है अभी के लिए इतना ही। अब देखिए पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो एक वीडियो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।